एयर इंडिया स्कैम के तार अब पनामा पेपर लीक से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सुमैया ने सीबीआई और ईडी से मांग की है कि इसकी जांच की जाए। सुमैया ने जांच एजेंसी को लिखी अपनी चिट्ठी में गोंदिया कैपिटल इंक कंपनी का जिक्र किया है। ऑगस्टा वेस्टर्न मामले में कांग्रेस आज संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि पर्रिकर और स्वामी ने ऑगस्टा वेस्टर्न मामले में चर्चा के दौरान सदन को गुमराह किया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का 10.5 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि एक ऑगस्टा हेलीकॉप्टर को छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 33.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि इसके लिए करीब 10.5 करोड़ रुपए की दलाली दी गई। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। विकास स्वरूप ने अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के बयान के जवाब में ये बात कही है। हक्कानी ने जवाब दिया था कि पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर और कर्नल को फील्ड में सामरिक परमाणु हथियार मुहैया कराए जाएंगे। बैंकों का 9,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लेकर देश से फरार उद्योगपति विजय माल्या के रिट से प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उसे इंटरपोल के पास भेज दिया है। अब इंटरपोल इसे ब्रिटेन में जारी करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इंटरपोल से माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की थी।